अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कराई हूँ हैदराबाद का स्पेशल मीठे की रेसिपी, जो कि है जी खजूर की। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से जो है ना बनाई जाती है, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि सेम प्रोसेस फॉलो करूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम से है कि आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर ना एक बड़ी सी परात ले ली है, जिसमें आटा गूंथते हैं ना, ये वही है। तो देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये देखें 1 kg मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैदे का। तो ये पूरा देखिए 1 kg मैदा है। तो ये मैंने जो है ना कप से मेज़र किया है। तो कप जो है ना, देखिए ये वाला कप था, तो ये देखिए इस पर मैदा लगा हुआ है। तो ये 5 कप हैं इस मैदे के। तो ये पूरा 1 kg मैदा है, मैंने निकाला बिल्कुल भी नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ये इसमें ऐड कर देंगे परात में। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा है, आपको लग भी रहा होगा कि ये 1 kg ही है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखें यही सेम कप से मैंने 1 कप ली है सूजी। तो ये सूजी भी हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। तो मोटी हो बारीक हो कोई मसला नहीं है, बस सूजी होनी चाहिए। और सेम कप से 1 कप मेरे लिए चावल का आटा, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ये मस्त डलती हैं इस खजूर की रेसिपी में। तो हैदराबाद का सबसे फेमस मीठा है ये, तो जो है ना ये चीज़ें इसमें डलती हैं। तो अगर आप जो है पूरा मैदा नहीं लेना चाहते, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप आधा मैदा यूज़ कर लें, आधा जो है ना वो आप गेहूं का आटा यूज़ कर लें, या फिर आप नॉर्मल गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसमें डालूँगी, देखें 5 कप था मैदा, 1 कप हो गया हमारा चावल का आटा, और 1 कप हो गई सूजी। तो टोटल हो गए 7 कप, ये वाले 7 कप। तो यही वाले मैंने 4 कप लिए हैं चीनी के। तो देखें 4 कप चीनी ली थी मैंने, अच्छे से इसको मैंने पीस लिया है। तो ये देखें इसमें मैंने ना इलायचियाँ भी डाली हैं, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऊपर रखी हुई हैं। तो मैंने इलायचियाँ भी डालकर इसमें पीस ली हैं। तो अब ये हम इसमें 4 कप पिसी हुई चीनी को शामिल कर देंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ, तो आप लोग जो है ना क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 अदद अंडे। तो ये देखिए 3 अंडे मैंने इस तरह से प्लेट में निकाले हुए, तो ये 3 अंडे इसमें चले जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी, यहाँ देखिए कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं मैंने, तो जो भी आपके पास अवेलेबल आपने वो ये ले लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा खोपरा, बादाम और पिस्ता, तो ये डाल दूँगी। यहाँ देखें ये 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम है बेकिंग सोडे की, तो बस थोड़ा सा ही डालेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ खोपरा, तो 3 चम्मच जो है ना ये वाले चम्मच मैंने 3 चम्मच लिए हैं। तो ये गया पिसा हुआ खोपरा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तिल, तो ये वाइट तिल है। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती है ना, इनमें लाजमी डलते हैं, तो अगर नहीं है तो स्किप कर दें। और सेम चम्मच से 3 चम्मच सूखा दूध अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया है, तो इस तरह से। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें जिस कप से हमने सारी मेज़रमेंट की है ना, उसी कप से। ये 1 कप पूरा नहीं है, तो ये जो है ना आप कह लें कि 1/3 कप होगा ये, तो ये घी जाएगा इसमें। तो ये देखें अच्छे से जो है ना हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसकी एक मुट्ठी बना कर आपको बताते हैं कि इस तरह से होती है। ये देखिए जब आप इसको मुट्ठी में पकड़ेंगे ना, तो ये इस तरह से एक साथ होनी चाहिए। ये देखें घी अभी इसमें सिर्फ डाला है, पानी का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और ये इस तरह से होनी चाहिए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको दूध से गूंद लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने नरम आटा भी नहीं गूंदना, और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है। तो जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं ना, सेम वैसे ही हमने इसको गूंद लेना है। ये जो है ना आटा हमने गूंद लिया अच्छे से, तो ये देखें इतना ही इसको आपने रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, तो बस ये इतना ही हमने जो है गूंद लिया है। और जो दूध लिया था ना, उसमें से देखिए बच भी गया है और आटा गूंद लिया है हमने। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कितना दूध लग रहा है। तो अब जो है ना हमने इसमें जो सूजी डाली है ना, इसके लिए हमें रेस्ट देना पड़ेगा इसे। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको आधा घंटा रेस्ट दे दें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट दें किसी चीज़ से कवर करके। तो देखें रेस्ट दिए हुए जो है ना, वो आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम इसमें से बनाएंगे अपनी खजूर। तो सबसे पहले जो है ना, हमने इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेना है हाथ भी। तो ये देखें इस तरह से जो है ना, बिल्कुल छोटा सा हमने गुलाब जामुन जितना होता है ना, उतने ही साइज़ की हमने इसकी बॉल बना लेनी है सबसे पहले तो। और अब जो है ना हम उसको बॉल को हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, ये वो चम्मच है जिससे जो है ना हम लोग पकौड़े वगैरह या जो भी फ्राई करते हैं, तो ये सबके घर में
होता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने बनाया है ना बॉल छोटा सा, उसके ऊपर हम हल्के हाथ से बिल्कुल सेंटर में, सो ये है ना, इसको इस तरह से रख देंगे और दबा देंगे, तो और हल्के हाथ से उठा देंगे। जी तो देखिए यहाँ ना मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से गरम हो गया है। तो जब तेल अच्छे से गरम हो ना, जब आप इसको ऐसे हाथ रखें तो आपको हीट आनी चाहिए, तो इतना ही गरम करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। तो जब आप डालें ना, तो ये देखें इस तरह से बबल्स बनने चाहिए, इतना ही आपने तेल को गर्म करना है। ठंडे तेल में नहीं डालिएगा, वरना मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो देखिए मैंने जो है ना, जब ठंडे तेल में डाला है ना इसे, तो ये देखें ये इस तरह से टूट गई है। ये देखिए हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाया था, लेकिन ये जो है ना ठंडे तेल में डालने की वजह से बिल्कुल बिखर कर चूरा बन गई है। देखिए ये कड़क तो है, आवाज़ तो आ रही होगी आपको, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल ही टूट गई है। तो ये हमने दोबारा डाल के चेक किए, तो ये गर्म तेल में डालने से ना इसका डिज़ाइन सही रहेगा, ठंडे तेल में डालने से ये हो जाता है। तो अब हम इसी तरह से जो है ना डाल देंगे, जितनी पैन में इजीली आए आपने डालनी है, और चम्मच को दूर ही रखना है। जब तक जो है ना इसके सारे बबल्स ख़त्म नहीं हो जाते, आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं लाना है पास। ये देखिए इस तरह से जो है ना, अब हम इसको हल्के हाथ से उठाकर, तो इस तरह से हम रखते जाएंगे छन्नी पर, ताकि ये जो इसका एक्स्ट्रॉयड है ना ये सारा निकल जाए। तो बहुत ही एहतियात से आपने इसको उठाना है, अगर आप जो है ना चमचा बहुत ज़ोर ज़ोर से मारोगे ना, तो ये फूल इसका यहीं पर ख़राब होकर टूट जाएगा। तो आराम से देखें ये है फाइनल लुक। तो इसी तरह से ना मैंने सारे फ्राई कर कर निकाल लिए थे, तो ये देखें ये इस तरह से जो फूल बना है ना, इसी तरह से जैसे हमने डिज़ाइन बनाया था सेम वैसे ही फूल बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद ही होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ये जो हमने आज रेसिपी बनाई है ना, इसको आप स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। तो ये जो है ना एक महीने तक नहीं ख़राब होगी, इसको कुछ भी नहीं होने वाला, आप टी टाइम पर इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रखिएगा, और मेरी रेसिपी को फॉलो करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।